हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, कंपोजिशन पढ़ रहे थे हम 12th क्लास की, और नोटिस का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट के भी दो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने एडवर्टाइजमेंट का दिया था, उसमें मैंने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कराया था। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का एक क्वेश्चन मैंने कराया, सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझाया था, फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया, और क्वेश्चन के बाद मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था कि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर है वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड करना है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक लड़की ने ही आंसर दिया है, जिसके अलावा किसी का भी कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है। अगर इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए, इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आप लोगों की समस्या बन जाएगी। जो इस समय पढ़ रहा है वो वास्तव में कुछ करेगा, और जो इस समय इस चीज को लाइट ले रहा है, एग्जाम आपके जरूर होंगे, ये ध्यान रखो। आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम आपके जरूर होंगे। सारी चीजें आपकी कंपोजिशन पार्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, ये तो जरूर आएगा। हो सकता है बुक से कुछ पार्ट आपका कम हो जाए। इस चीज को आप लाइट में लेके चल रहे हो तो इससे आपको समस्या उत्पन्न होगी। दोबारा नहीं कराए जाएंगे इतना टाइम, अगर स्कूल आपके खुलते भी हैं तो दोबारा इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा जो इसको करा सके। हम ये वीडियो जब इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरा मानना है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं आप लोग नोटबुक लेकर नहीं बैठते, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब भी वीडियो को देखने के लिए बैठते हो, बिना पेन और नोटबुक के अगर आप बैठ रहे हो तो सिर्फ आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। बिना पेन और नोटबुक के मत बैठो, नोट्स तैयार करो, जो भी सर जिस भी सब्जेक्ट के पढ़ा रहे हैं। अब मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का अगर मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है, मैंने कमेंट में ये भी लिखने को बोला था कि अगर आपको समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप उसको कमेंट में लिखो, लेकिन वहां भी कोई आपका आंसर नहीं है। तो समस्या क्या है, आप लोग कॉन्टेक्ट करिए ना स्कूल में, बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन इस प्रकार से पढ़ाने का, हमारा टाइम खराब करने का फायदा क्या है फिर? ये इमरजेंसी टाइम है, इसको समझो। आप लोग समस्या है, सभी को साथ में मिलके पढ़ना होगा, अपनी समस्या को खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। और नोट्स आप लोग तैयार करते रहिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, नोट्स आपके जरूर अब कुछ ही समय में हम स्कूल में मंगवाएंगे, चेक भी होंगे, आपका टेस्ट भी होगा, सारी चीजें होगी स्कूल में। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग सजेशन लेने के लिए टीचर से आ सकते हो, अपने माता पिता की सहमति के साथ। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग टीचर से भी अब मिलके कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास नंबर नहीं है, मैं आपको अपने नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूं। अगर आप लोग ये कहते हो कि आपके पास नंबर नहीं है, ये लीजिए 9828557709 मेरे पर्सनल नंबर है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूं, आप लोग इस पर उसका आंसर जरूर भेजो, ठीक है भाई। देखिए, वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था उसका आंसर आ जाना चाहिए सभी का, अदरवाइज मैं फिर स्कूल में कांटेक्ट करके आपके घर पे कॉल कराऊंगा। लास्ट आप देखिए, क्वेश्चन मैंने एक और लिखा है, यू आर संजय। इमेजिन करो, सबसे पहले तो आपको कोई नाम दिया गया है, यू आर संजय, यू आर लुकिंग फॉर ए ग्रूम फॉर योर यंगर सिस्टर। आप अपनी छोटी बहन के लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब आपको क्या करने के लिए कहा गया है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो जो कि आप अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में पब्लिश करा सको। तो अब आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है इस चीज के लिए। देखिए कैसे करेंगे, प्रश्न हटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा, अगर कोई चीज रह जाती है नहीं लिख पाते हो, वीडियो को बैक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे आप,
बेटा मैट्रिमोनियल का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैट्रिमोनियल का कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीजें लॉस्ट फाउंड है, सेल परचेज है, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, ये सारी चीजें एजुकेशनल है। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी, हेडिंग के जस्ट बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो सबसे पहले उसकी डिटेल्स दो, ठीक है। क्या करोगे, क्लाइंट्स इनवाइटेड फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, जो भी है आपको यहां पे सबसे पहले उसकी कास्ट का, मतलब सबसे पहले नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन क्या क्या आपको डिफाइन करना होता है, उसका कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, उसकी कास्ट, ठीक है, उसके बाद उसकी हाइट है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी एज है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्या करोगे, अलायंस यूनाइटेड फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, 26 इयर्स, 5'6" हाइट हो गई, ठीक है, एमए इन इंग्लिश उसकी क्वालिफिकेशन हो गई, उसके बाद बीएड वर्किंग एज ए प्राइवेट टीचर इन ए रेपुटेड स्कूल, ठीक है। जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब ही दो, जरूरी नहीं आप उसको बिजनेस ही दो, जरूरी नहीं है कि आप उसको फैमिली या हाउस वर्किंग ही बताओ, आप उसको प्राइवेट जॉब भी बता सकते हो कि प्राइवेट जॉब में है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें लगभग हो गई, एज, क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह, लड़की के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, लुकिंग फॉर ए हैंडसम एंड टाल पंजाबी बोल, एज बिटवीन 27 to 29 ईयर्स, having minimum height of 5'9" must be in a
गवर्नमेंट जॉब। देखिए ये सारी चीजें हैं, जैसा आप सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स दी, उसके बाद जैसा आपको चाहिए। देखिए इस लाइन को एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद तो वही सारी चीजें आ जाएंगी, नो कास्ट बार और नेचर ऑफ मैरिज और लास्ट में बायोडाटा। यही है आपको जो कुछ करना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया था, सिर्फ आपको कहा था कि आप एक दूल्हा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वांटेड कर दिया या वांटेड ग्रूम कर दो, वो भी बिल्कुल सही है। अलायंस इनवाइटेड फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, एक सुंदर पंजाबी लड़की के लिए, उसके फिर 26 इयर्स एज हो गई, 5-6 हाइट हो गई, एमए इन इंग्लिश क्वालिफिकेशन हो गई, बीएड बता दिया, वर्किंग एज ए प्राइवेट टीचर इन ए रेप्यूटेड स्कूल, और अभी वर्तमान में वो एक प्राइवेट स्कूल में, रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल, मतलब एक अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा रही है। अब उसके बाद जैसा आपको चाहिए, लुकिंग फॉर ए हैंडसम एंड टाल पंजाबी बॉय, ठीक है, हैंडसम फेयर, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, सुंदर लड़का ढूंढ रही है, टाल लंबाई होनी चाहिए, एज बिटवीन 27 to 29 ईयर्स, हैविंग मिनिमम हाइट ऑफ 5'9", मस्ट बी इन ए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, इतनी हाइट और इतनी उसकी एज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद अब क्या करोगे, वांटेड एंड अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, ठीक है, शाही तरीके से जल्दी शादी करना चाहते हैं, सेंड द बायोडाटा बोल सकते हो, पोर्टफोलियो बोल सकते हो, सेंड द बायोडाटा विद रिसेंट फोटोग्राफ, ऑन क्लियर है, और पोस्ट बॉक्स नंबर 301702 इस पोस्ट बॉक्स नंबर पर अपना पोर्टफोलियो या अपनी फाइल या अपना बायोडाटा आप भेज सकते हैं। ये आपके लिए एडवर्टाइजमेंट था मैट्रिमोनियल का, शादी का, ठीक है भाई, कोई समस्या हो बता दीजिए। बाकी आप लोगों को एक इसी प्रकार का एक आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करके, आज फिर बोल रहा हूं मैं वीडियो में, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करके आपको भेजना है, जिसमें यू आर लुकिंग फॉर ए ग्रूम, जिसमें आप एक लड़का ढूंढ रहे हो फॉर योर यंगर सिस्टर, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, उसमें आपको, आप उसको गवर्नमेंट जॉब में बता सकते हो, उसकी सैलरी बता सकते हो उसको, ठीक है, वो सारी चीजें आप वहां पे बता सकते हो, या हाउस वर्किंग भी बता सकते हो, ठीक है, कि अच्छी पढ़े लिखी क्वालिफिकेशन है बट हाउस वर्किंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज करके एक एडवर्टाइजमेंट आप तैयार करके आज मुझे भेजेंगे। ओके हटा रहा हूं भाई, ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन कोई भी हो आप पूछ सकते हो, समस्या हो कोई भी आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी। ठीक है, और जॉब वैकेंसी में दो टाइप के आएंगे, एक पढ़ोगे आप सिचुएशन वैकेंट और दूसरा आप पढ़ोगे
सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड दोनों में फर्क क्या है? जब आपके पास कोई वैकेंसी है, आप किसी को जॉब देना चाहते हो तो सिचुएशन वैकेंट का तैयार करोगे, जब आपको जॉब चाहिए तो आप सिचुएशन वांटेड का तैयार करोगे। देखिए फर्क क्या है दोनों में, जब आप किसी को जॉब देना चाहते हो तो आप वहां पे बताओगे कि आपके पास कौन सी जॉब है, कितनी पोस्ट है, ठीक है, किस टाइप का बंदा आपको चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, लोकेशन भी आप दे सकते हो, या आप उसकी सैलरी क्या दे सकते हो, उसके साथ में अदर फैसिलिटीज, आप रहना खाना वगैरह 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 जो भी कुछ आप उसको दे सकते हो वो सारी चीजें आप मेंशन करते हो सिचुएशन वैकेंट में, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, अगर आप इच्छुक हैं तो हमें पोर्टफोलियो या अपना रिज्यूम हमें भेज दीजिए, 5 दिन में 10 दिन में जो भी आप टाइम दोगे। इसमें आप सिलेक्शन प्रोसीजर बताओगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये चीजें हो गई। दूसरे में आता है सिचुएशन वांटेड, जब मेरे को जॉब की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, तब मैं एक एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूं कि मुझे जॉब चाहिए नियर बाई लोकेशन, इस लोकेशन में, इस पोस्ट पर, इससे पहले मैं कहां काम कर चुका हूं, कितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या मैं सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं, वो सारी चीजें मैं यहां पर दे सकता हूं, ठीक है। तो दो पट हो गए आप, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। आज मैं इसके फॉर्मेट लिखा देता हूं आपको, अगली वीडियो में फिर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आज हम लिख लेते हैं इनके फॉर्मेट। देखिए देखिए भाई, सिचुएशन वैकेंट आपकी हो जाएगी हेडिंग, हेडिंग आप बीच में लिखोगे, हेडिंग आपकी कर्सिव में भी हो सकती है, या आप इसको सेंटेंस केस में भी लिख सकते हो, या आप पूरा कैपिटल भी लिख सकते हो, साफ होनी चाहिए, ठीक है। आप नोटबुक में स्केल का यूज करें, इसको बॉर्डर को बनाते समय नोट्स बना रहे हो, साफ होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो सिचुएशन वैकेंट में आप क्या क्या लिखते हो, देखिए रिक्वायर्ड डिटेल्स में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट का नाम दोगे, जिस भी संस्था में, जिस भी विभाग में आपको वैकेंसी दिखानी है कि मेरे किस संस्था में मेरे पास वैकेंसी है। दूसरी है नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां हैं ये आप दोगे। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज वगैरह का भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, कितनी एज होनी चाहिए,
स्केल या सॉरी 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 पे स्केल या सैलरी, आप उसको पे स्केल कितना पे करोगे या उसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, लास्ट डेट या फिर डेट ऑफ टेस्ट इंटरव्यू जो भी होना है, लास्ट डेट क्या फॉर्म भरने की, या फिर आप डायरेक्ट अगर इंटरव्यू वगैरह टेस्ट ले रहे हैं तो उसकी डेट क्या है, और फिर आखिरी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये होगा आपके पास जब भी आप सिचुएशन वैकेंट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट होगा। कंप्लीट रिक्वायर्ड डिटेल्स में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो किस इंस्टीट्यूट में, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी कौन सी पोस्ट है कितनी वैकेंसी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पे स्केल क्या रखोगे, सैलरी क्या दोगे आप, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा भाई, टेस्ट से होगा इंटरव्यू से होगा या कैसे होगा, उसके बाद लास्ट डेट क्या है या टेस्ट की डेट क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप एक सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट तैयार करते समय लिखोगे, ठीक है। इसको लिख लेना नोट्स में, जैसे ही आपका सिचुएशन वैकेंट का मैं तैयार कराऊंगा आपको एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ये सिचुएशन वांटेड है वो इसकी लगभग जुड़ा हुआ है, सिचुएशन वांटेड का लगभग इससे रिलेटेड है, कैसे देखो, यहां पर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट की जगह यहां पर आप लिखोगे नेम ऑफ प्रोफेशन, नेम ऑफ प्रोफेशन कि आप किस जॉब में किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम था, उसके बाद ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप नहीं दे रहे हो, यहां पर आप लिखोगे अगला क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, जॉब लोकेशन अगर स्पेशल है, आप चाहते हो कि स्पेशल मेरे को इसी लोकेशन पे जॉब मिले, जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में, कोटा में, ठीक है, जहां भी, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपकी एज क्या है, फिर उसके बाद आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, यहां पे आप सैलरी दे थोड़ी रहे हो, आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि लगभग इतनी सैलरी मुझे चाहिए, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह तो आप दोगे नहीं, लास्ट आप बताओगे यहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यदि कोई आपके अंदर कोई अदर योग्यता है अन्य, इसके साथ साथ इसके अलावा और भी कोई योग्यता है आपके अंदर, तो उसके बारे में बता सकते हो, और लास्ट आप बताओगे यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक।
ठीक है भाई, ये होता है सिचुएशन वांटेड का। जब आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन का नाम बताओगे, अपने बारे में बताओगे, प्रोफेशन का नाम बताओगे, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एक्सपीरियंस पहले काम किया है या फ्रेशर हो, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, जॉब लोकेशन कहाँ पे चाहते हो, एज, पे स्केल या सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो आप, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कोई है आपके अंदर, या फिर अंत में आप लिखोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है भाई, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड का दोनों का फॉर्मेट मैं आपको लिखा चुका हूँ, मैट्रिमोनियल कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। इसके बाद अब अगली वीडियो में हम इनका लिखेंगे, ठीक है, दोनों को समझेंगे कैसे करने हैं, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समस्या है पूछ लो और साथ में पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।